राज्य में कई लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती करके कमाई कर रहे हैं। एक एकड़ की खेत में हर साल 8 से 10 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। हालांकि इसके लिए शुरुआती समय में 4-5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। इस खेती में पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होने की वजह से किसानों को पानी पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा होता है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो आप मालामाल हो सकते हैं। इससे बंपर कमाई की जा सकती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। हालांकि कुछ फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती विदेशों की अपेक्षा भारत में कम होती है। भारत में अनुकूल मौसम और डिमांड न होने की वजह से इन फलों और सब्जियों की खेती किसान नहीं करते। मनोहर सरकार के प्रयास से अब किसान अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य चीजों को भी अपने खेत में स्थान दे रहे हैं। किसान डिमांड के अनुसार खेती का चयन कर रहा है। भारत में ड्रैगन फ्रूट की डिमांड बढ़ रही है, जिससे किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती में काफी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। ड्रैगन फ्रूट उन जगहों पर भी काफी अच्छी तरह से उगता है जहां पर कम बारिश होती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाए तो बम्पर कमाई की जा सकती है। तो चलिए फतेहाबाद के गांव अहरवा के प्रगतिशील किसान जगरूप से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर आज लाखों रुपए की कमाई की है, जिन्हें मनोहर सरकार की तरफ से भी विशेष सहयोग मिल रहा है। वैसे तो वियतनाम इजराइल की खेती है, लेकिन अब कुछ सालों में हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छी तरह कर रहे हैं। अब उसी को देखते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान भी इसको अपना रहे हैं और ये कम पानी की खेती है और लगभग 1.5-2 साल में आप इसको 8-10 लाख रुपए कमा सकते हो। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग इसमें मिल रहा है जी? सरकार इसको सब्सिडी दे रही है। ये खंभे हैं, खंभों की सब्सिडी दे रही है। पौध है, पौध की सब्सिडी दे रही है। नया बाग लगाओगे उसमें 1.25 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है। ठीक है, तो कम पानी की खेती मानी जाती है ये? बिल्कुल कम पानी की खेती है जी। ये ड्रिप सिस्टम की खेती है, टपका सिंचाई की खेती है। महीने में एक बार ही पानी लगा दो तो इसमें अच्छा काम चल जाता है। सरकार की तरफ से अपील भी की जा रही है कि खेती अपनाओ लोगों को। सरकार इसीलिए कह रही है ताकि पानी बचाओ। हम ज़्यादातर किसान धान लगाते हैं, धान में हमेशा पानी चाहिए और ज़्यादा ट्यूबवेल चाहिए, लेकिन ये बागवानी में कम से कम पानी का। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फल आता है वो कितना वजनदार होता है इसमें? इसके ऊपर फल 200 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक आता है, यानी कि 1 किलो में 3 पीस भी आ जाते हैं, 4 पीस भी आ जाते हैं। और इस फल का अभी फ़िलहाल तो रेट 120 रुपये से लेकर 150 रुपये पर फल है, यानी 400-500 रुपये किलो हो गया। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग इस खेती को अपनाए ताकि इसका मूलतम रेट भी कम हो जाए, आम जनता इसको खा सके। देश के किसान आमदनी को बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों को उगाने के अलावा भी कई प्रकार के फल और सब्जियां उगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान अपने खेतों में फलों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसी तरह ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी तेजी से हरियाणा में लोकप्रिय हो रही है। आमतौर पर ये फल थाईलैंड, वियतनाम, इसराइल, श्रीलंका आदि जैसे देशों में काफी फेमस है, लेकिन अब भारत में भी इसे लोग पसंद करते हैं। वास्तव में खाने पीने के लिहाज से बहुत बढ़िया फल है। इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। फतेहाबाद के किसान से मिलाने के बाद अब आपकी मुलाकात कुरुक्षेत्र के गांव चतुर्भुज माजरा के किसान अनविंदर से कराते हैं, जिन्होंने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील के बाद परंपरागत खेती को छोड़कर कुछ हटकर खेती करने के बारे में सोचा और फिर यूट्यूब पर ड्रैगन फ्रूट की खेती देखकर इसकी शुरुआत की। 4 साल, इस बार 4th साल है हमारा, तीसरी फ्रूटिंग आएगी इस बार। तो फायदा मिल रहा है इसमें? हाँ जी भैया, फायदा तो है ही, और फसलों को अगर हम देखें पानी की भी बचत है, दूसरा फिर आपका सीजनल फ्रूट है, 5 महीने तक चलता है, उसी हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो ठीक लगा है। बाकी और लोग भी बहुत आते हैं देखने के लिए, उसकी वजह से तो देखो सबसे बड़ा तो आज के टाइम में पानी की दिक्कत है ना, पानी की दिक्कत की वजह से तो ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। कितने टाइम की फसल रहती है ये? है अभी मई में चल जाएगा, मई के मतलब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी मई में, उसके बाद आपका जून में स्टार्टिंग हो जाएगी फ्रूट। तो कैसे कलर का फ्रूट आता है? रेड कलर का है इसमें। हाँ जी, रेड का है, ये थोड़ा मीठा है।
ये मीठे टाइप पे है, जो हमारा थाईलैंड से आता है वो लगभग ना फीका ही होता है फ्रूट, उसकी कुछ भी मतलब कि ना टेस्ट नहीं है, इंडिया में उसको लोग पसंद नहीं करते, और ये वाली जो वैरायटी है इसको बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पे। जो पौधा है, पौधा छोटा लगाए या अगर बड़ा लगाए तो उसमें क्या फर्क होता है, क्या कुछ समय लग जाता है? हाँ जी, समय तो लगता ही है। देखो अब कटिंग से हम तैयार करते हैं, जैसे हमने अभी इस बार स्टार्ट किया है, शुरू किया हमने कटिंग तैयार करके, अपनी नर्सरी तैयार करके हमने एक नेक्स्ट जो अब एक कड़ लगाया है वो अपनी फ्रूट उससे तैयार किया हमने अपनी ब्रांचेस से। तो वो कब तक तैयार हो जाता है, उसमें कितने टाइम लगता है? 6 महीने तो लगते हैं नर्सरी को तैयार होने में, अब से अगर लगाएंगे तो 6 महीने में तैयार होगी कम से कम। मुनाफा अगर देखें जिस प्रकार से गेहूं या फिर धान लगाई जाती है तो उससे कितना? उनसे तो बेटर है, इसमें आप दूसरी भी फसल कर सकते हो ना, आप इसके बीच का गैप देखो, इसमें से ट्रैक्टर भी निकल सकता है आराम से कुछ भी। अब मैंने इसमें लहसुन की फसल ली है तो बहुत बढ़िया रही है इस बार, तो लहसुन का रेट भी अच्छा है। और ड्रैगन फ्रूट के साथ एक अच्छी बात यह है कि आप एक बार इसका पौधा लगाने के बाद 25 साल तक इससे फसल लेते रहते हैं। ड्रैगन फ्रूट का पौधा देखने में बिल्कुल कैक्टस के पौधे की तरह लगता है, जिसे खेत में किसी मजबूत डंडे या कॉलम की मदद से खड़ा कर आप फल ले सकते हैं और बड़े आराम से लाखों की कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगाते हैं तो 2.5 से 3 साल का एक पौधा आपको तकरीबन 25 से 30 किलो तक ड्रैगन फ्रूट दे देता है। ड्रैगन फ्रूट का मार्केट रेट 200 रुपए किलो है। 1 एकड़ में इस तरह ड्रैगन फ्रूट के 500 पौधे लगते हैं। अगर आप एक पोल से 20 किलो ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन मानते हैं और इसका रेट 200 रुपए प्रति किलो मानते हैं तो इससे साल में आपको करीब 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई हो सकती है। तुमसे दोगे तो ज्यादा बढ़िया है, वैसे क्या है आपको लेबर ज्यादा पड़ेगी। ड्रिंचिंग के लिए क्या रहता है, मेनली हम ड्रिंचिंग इस प्लांट को हम ना जितना भी फर्टिलाइजर और जितनी भी दवाई दे रहे हैं ना वो हम ड्रिंचिंग से या स्प्रे से देते हैं। ड्रिंचिंग मेन है इसके लिए, क्योंकि इसकी जड़ में जाना जरूरी है, क्योंकि इसके लीव्स तो है नहीं, पत्ते नहीं है इसके। आप देखोगे ये अगर इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो वो आप ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतना जैसे और प्लांट्स कर पाते हैं, तो उसमें से इसकी ड्रिंचिंग मेन रहती है, तो ड्रिंचिंग के लिए तो बहुत जरूरी है वो। तो इसमें खाद वगैरह जो होता है वो नॉर्मल होता है कोई अलग होता है? नहीं, कंपोस्ट डालते हैं हम इसमें नीचे, DAP भी डालते हैं और दूसरा आपके जितने भी और कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर वो सब भी डलता है, वो सब नीचे डलता है। तो लेबर वगैरह का भी कुछ खर्चा ज़्यादा आता है जैसे? और लेबर तो अगर आप देखे जाए तो भैया देखो थोड़ा सा तो लेबर का तो इशू रहता ही है, देखो लेबर का तो जरूरी है, अब कटिंग भी करनी रहती है। लेबर मिल जाती है? लेबर तो मिल जाती है, लेबर की तो कोई दिक्कत नहीं है इतना, कोई मतलब वो नहीं कह सकते आप, कोई मुश्किल काम नहीं है कोई इतना, अगर आप बंदा अपने साथ लग के करेगा तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, हम भी कर ही रहे हैं यहाँ पे। जो नए किसान है वो इस फसल को शुरू करना चाहते हैं तो कैसे वो शुरू करें, कैसे बताएंगे कि आप थोड़ा गाइड अगर कैसे इसको पौधे को लाएं? मैं तो कहता हूँ कि अपने लोग अपने हिसाब से शुरू करो, अब तो गवर्नमेंट खैर सब्सिडी भी दे रही है इस पे, इस टाइम पे 1.25 लाख के करीब सब्सिडी है इस पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने पर प्रदेश के किसान परंपरागत खेती से दूर हटकर इन दिनों वैज्ञानिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, खास तौर पर उन्हें बागवानी फसलों में अधिक फायदा दिखाई दे रहा है। इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों की चौपाल में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर इसकी खेती हरियाणा में पहले नहीं होती थी, लेकिन अब हरियाणा में बड़े स्तर पर इसकी खेती होने लगी है। कुछ अनुभवी किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना पूरा कर रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आय को दोगुना करने के रूप में देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेती की पुरानी तकनीक को छोड़कर आधुनिक खेती करने की अपील लगातार करते आ रहे हैं, जिसका असर आज प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। धीरे धीरे किसानों का रुझान भी अब तकनीकी और आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। किसान अब परंपरागत खेती गेहूं, सरसों, चावल से हटकर फूल फल और सब्जियों की खेती करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।